आपने अपने फेसबुक अकाउंट पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन किया था अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए, ताकि आपका अकाउंट लाइफ टाइम सेफ रहे, कोई हैक ना कर सके। ऐसे में आपको बार बार अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करने में प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज आपको बार बार एक कोड आता है आपके फ़ोन नंबर पर जो आपने वहाँ पर लगा रखा है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अंदर। हो सकता है कि आपके पास अभी के टाइम में वो फ़ोन नंबर ना हो, ऐसे में आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, कोड आप तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो उसको आप ऑफ करना चाहते हो या फ़ोन नंबर चेंज करना चाहते हो, यहाँ पर मैं आपकी सारी कंडीशन में हेल्प कर सकता हूं। तो ये सब आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको फेसबुक को ओपन करना है। जैसे ही आप फेसबुक ओपन करते हो गाइस, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा यहां पर। तो यहां पर देखो साइड में आपकी प्रोफाइल आती है, ट्रिया किनारा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करते हो, सबसे ऊपर सेटिंग आ रहा है, यहां पर क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रॉल करके सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करके यहां पर आपको सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। अगेन जैसे ही आप सेटिंग्स पे क्लिक करते हो, यहां पर आपको लिखा आएगा सी मोर इन अकाउंट सेंटर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहां पर स्क्रॉल करके पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे क्लिक कर देना है। यहां पर आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर देना है। देन यहां पर आपकी फेसबुक प्रोफाइल आएगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहां पर देखिए अब आपका जो फेसबुक का पासवर्ड है वो यहां पर आप दे दीजिए, अगर भूल चुके हो ये दोनों वीडियो देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको आपका पासवर्ड पता चल जाएगा। यहां पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, यहां पर देखिए गाइस सबसे ऊपर है ऑथेंटिकेशन ऐप, अगर आपने इसको ऑन कर रखा है तो इसको भी ऑफ करना होगा, मैंने भी ऑन कर रखा है, तो सिंपली इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब ये ऑफ कैसे होगा, सिंपली गाइस यहां पर इसको ऐसे ऑफ कर देना है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे देन आपको टर्न ऑफ कर देना है। तो यहां पर आपकी जो फर्स्ट सिक्योरिटी है वो बंद हो गया है। सेकंड आपने लगा रखा है अगर टेक्स्ट मैसेज वाला, इसको भी ऑफ करना है, सिंपली इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो देन यहां पर देखो ये ऑन हो रखा है, इसी पर आपको क्लिक करना है, देन यहां पर आपको टर्न ऑफ कर देना है। इस तरीके से आप अपने सिक्योरिटी को ऑफ कर सकते हो, मैंने फर्स्ट सेकंड दोनों ऑफ कर दिया है। थर्ड, अगर आपने सिक्योरिटी की भी लगा रखा था ना, तो इसी पर क्लिक करके इसी के अंदर ऑफ करने का ऑप्शन आएगा, उसको भी ऑफ कर देना। मैंने नया लगा रखा था, अगर आपने लगा रखा था अंदर से ये भी ऐसे ही ऑफ होगा। अब अगर आप इसमें न्यू नंबर ऐड करना चाहते हो, अगेन आप इसको पूरा चेंज करना चाहते हो, दोबारा आप इसमें सिक्योरिटी लगाना चाहते हो, न्यू नंबर वगैरह, तो कैसे लगाना है आप ये वाली वीडियो देख के लगा सकते हो। तो ये तीनों वीडियो आपको मैं स्क्रीन पर दे रहा हूं, यहां पर आप जिसको भी देखना चाहते हो उनको देखकर आप अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और भी प्रेस कर देना ऐसी और वीडियो देखने के लिए।